मेरे दोस्तों, यही रांझा का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इसके निर्माता हैं श्री अभिलाष सिंह राठौर और मैं आपको स्वर दे रहा हूं प्रेमचंद शास्त्री। तो आइए देखिए और सुनिए। अरे हीर राजा में सोना बता रे रब मेराई, ए जी दाता मेराई जाने। सुनो सुन भैयो रे सब ध्यान लगाई। पहले सुमेरो माता सरस्वती रे रब मेराई, ए जी दाता मेराई जाने। भूलो तिजोरी मुझे ज्ञान बताई। सुमेरो पिति और माता को रे रब मेराई, ए जी दाता मेराई जाने। जाति को छा में जन्म लो आई। सुमेरो गुरु आ धारक रे रब मेराई, ए जी दाता मेराई जाने। जिनने विद्या रे मुझे दई थी सिखाई। हाँ मेरे दोस्तों, एक बार इश्क और हुस्न दोनों प्रकट होते हैं और दोनों में बेस पड़ी है तो हुस्न इश्क से बोली, आहा मैं हुस्न हूँ, अगर मैं न होती तो दुनिया का तमाम ऐशो आराम ठप हो जाता। गलत है, झूठ है, बकवास है, सनाए कुदरत के भूल कर लफ्जे में इस्तेमाल करने वाला झूठा है, शैतान है। खामोश नाजुक मिजाज
हसीनों को ऐशो आराम के रास्ते से भटका कर भैंसी और शौदाई बनाकर तख्त ताज छुड़ाकर बन बन भटकाने वाले इश्क तू खामोश। अरे तू क्या जाने उष्ण की रंगीनियों को, अरे तूने तो मिस्र की मलका को जलीलो ख्वार किया। तू ही वह मुराद इश्क है जिसने सीरी जैसी शहजादी को अपने मकसद से गुमराह किया और लैला मजनू को बन बन भटकाया और बदनाम किया। खामोश, ए बेवफा हुस्ने आला, तूने ही मिस्र की रानी को गुमराह करके जलीलो ख्वार किया और इश्क को बदनाम किया। यह काम हुस्न का नहीं इश्क का है। तूने इस सदाब्रज और शारंगा के दिल में इश्क के जज्बात पैदा किए। हाँ, अगर इश्क दुनिया में ना मुराद होता तो वाकई किसी को किसी से प्यार नहीं होता। इश्क का हुस्न पर कोई दारोमदार नहीं होता। हाँ, यह तो सत्य है कि बगैर इश्क के हुस्न का कोई खरीदार नहीं है। चलो जमीन पर चलते हैं, कौन कितना जलवा दिखाता है। हाँ चलो और चलते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। लो देखो देखने वालों, लो देखो देखने वालों, मुरक का हुस्न वे पीर का और पाकुलपत का नजारा ये है रांझे पीर का। हाँ मेरे दोस्तों, इधर जंग स्याले में दलील पठान के घर हीर जन्म लेती है और उधर तख्त हजारे में जम्बू पठान के घर रांझा जन्म लेता है। धीरे धीरे दोनों अपने अपने पिता के घर खेलते खाते बड़े होते हैं और वो जवान हो जाते हैं। उधर इश्क और हुस्न दोनों पर अपनी अपनी कला चलाते हैं। इधर हीर अपने महलों में सो रही है और उधर सोते में हीर सपना देखती है। कैसे आह, ठहर ठहर मेरे नाजुक दिल को अपनी बंसी की धुन में फंसाकर जकड़ने वाले ठहर, तुझको क्या मिला इस नन्हे से दिल को चुराकर। आह कैसी मधुर बंसी की धुन है, कैसा जवान है, अरे ये कैसा नजारा था। अरे ये सोते सोते अचानक वैकी वैकी बातें कैसे कर रही हो, कैसी बंसी की धुन, कैसा जवान, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। कुछ नहीं भाभी, सोते में जब कभी सीने पर हाथ आ जाता है तो नन्हा सा दिल दहशत खा ही जाता है। बात को टालो मत हीर, कुछ देर पहले आप कह रही थी आ हवंसी कैसा जवान, बताओ तो सही कौन सा जवान है और तुमने बंसी कहाँ सुनी। नहीं नहीं भाभी, यह मत पूछो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरी प्यारी भाभी, कैसे बताऊं। ए में सद की जाओ प्यारी ही, आखिर बात क्या है जो दलील पठान की दुख्तर इस कदर घबरा रही है। ही तुझे मेरी कसम, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। ए मेरी प्यारी भाभी, ए भाभी तुम सुनना चाहती हो तो सुनो।
कमरत सपने में आयो, एक मरत सपने में आयो, बंसी बजा के दिल को चुरायो, बंसी बजा के दिल को चुरायो, एरी सुने भावी अब कैसे मन समझाऊं, एरी सुने भावी तो ही सारो हाल बताऊं, और भाभी भाभी, भाभी, हाँ हीर बोलो। ए भाभी, उस परदेसी की सूरत नजरों से हटती नहीं है, मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? हीर, तुमने अभी राजे मर्द की बंसी सुनी नहीं? अगर राजे मर्द की बंसी सुन ली तो स्याले को छोड़ के उसके पीछे पीछे चली जाओगी। क्या भाभी, ये तुम सच कह रही हो? हीर, हाँ मैं सच कह रही हूँ। ए भाभी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? हीर, मैं क्या बताऊँ, मैं तुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। सच भाभी? हाँ भाभी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमें यह बता दो वो रांझा रहने वाला कहाँ का है? हे भाभी, वो हमें कहाँ मिलेगा? हीर, तुम उस परदेसी के पते से क्या करोगी? भाभी, मैं वहां जाऊंगी और अपने दिलवर से मिलूंगी, उसकी मधुर बंसी की धुन को सुनूंगी। हे भाभी, मुझे चैन नहीं पड़ता। हीर, तू जानती है ये क्या कह रही है? इसका अंजाम क्या होगा? तेरे बालिद और भाई सुनेंगे तो क्या करेंगे? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, वो मार देंगे, फांसी लगा देंगे। भाभी, तुम मेरे दिल की बात समझती क्यों नहीं? मैं उसके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। भाभी, या उसको मिला दे या उस तक मेरा संदेश पहुँचा दे। हे भाभी, हीर, अगर तुम नहीं मानती हो तो एक काम करो। क्या काम करूं भाभी, जल्दी से मुझे बता दो। सुनो ही, लिखना कि देना चाचा
रंज अलम सायरो बिस रही हो, रंज अलम सायरो बिस रही हो, ले पाती चार चार डिंग जइयो, मानो मेरी बात की देना चाचा को, मानो मेरी आज की देना चाचा को, सुन ले मेरी नीरे प्यारी, चोरों को लिखना आज की देना चाचा को, कट को लिखना आज की देना चाचा को, कट को लिखना आज की देना चाचा को। ठीक है भाभी, मैं ऐसा ही करूंगी और मैं अब चलती हूँ। सुनो मेरे प्यारे भाइयों, इधर हीर वहां से चल देती है, कैसे? अरे इतनी भी सुन के हीर देखो चली रे रब मेराई, ए जी दाता मेराई जाने, सीधा लगाए लई रे कम है लोक माई। जल्ला रज के हीर चिटिया लिखी रही रे रब मेराई, ए जी दाता मेराई जाने, हरफ हरफ मेरे रांझे की परछाई। गोरे गोरे गुबुलू झुलपे बल खाई रही रे रब मेराई, ए जी दाता मेराई जाने, आँखनो खाए गई रे बसुर मासिहाई। हीर चिट्ठी को लेकर के चल देती है, जहां फक्कड़ बैठा था उसी जगह पहुंच जाती है, तो अपने चाचा से क्या बोली? चाचा जान, चाचा जान, अरे वो फक्कड़ चाचा। कहिए हीर, क्या बात है? तुम यहां कैसे आई हो? मेरी लाडली को आखिर क्या हुआ? चाचा जी, मैं एक बात पूछूं? पूछो। हे चाचा जी, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें इस जहान में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं अपनी आंखों का तारा और कलेजे का टुकड़ा मानता हूँ, और तेरी खिदमत में हमेशा हाजिर रहता हूँ। हाजरे खिदमत में हूँ, इरशाद हो या नेक नाम, किस लिए की परेशानी क्या है चाचा सिखाऊं? तुम झूठ कहते हो चाचा जान। हे फक्कड़ चाचा, तुम झूठा प्यार करते हो, तुम झूठा प्यार करते हो मुझसे। ये तुम क्या कह रही हो मेरी बिटिया? मैंने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है लाडली, तुम क्या मुझसे चाहती हो? सुनो, अरे आंखों को गर चाहो तो मैं ये आंखें निकाल दूं, फाये को गर चाहो तो तार अपनी खाल दूं। अरे जिस्म तो ये क्या चीज है, जान तक निसार दूं। बोल बेटी, मुझसे क्या चाहती है? कि चाचा जान, मैं ये चाहती हूँ, वो कर सकते हो? हाँ हाँ,
बोलो मेरी लाडली निसंकोच कहो क्या चाहती हो। मैं तेरी खातिर सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तेरी खातिर अपनी जान दे दूंगा, अरे बहाकर खून दुनिया को हमदर्दी सिखा दूंगा, बता लाडली। तो सुनो चाचा जान, कहो। मेरा ये खत ले जाओ और हजारे चले जाओ, ये पत्र मेरे रांझी को दे देना, मैं तुम्हारा यह एहसान हे चाचा कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। मेरी लाडली, तख्त हजारा काफी दूर है, मैं नहीं जा पाऊंगा, अगर मुझे कुछ रास्ते में हो गया तो मेरी लाडली तेरा क्या होगा। नहीं नहीं चाचा जान, ऐसे नहीं कहते, खुदा के वास्ते तुम्हें कुछ नहीं होगा चाचा जान, तुम चले जाओ और ये हमारा पत्र भेज दो। अच्छा तो ठीक है, मैं जाऊंगा, कल सुबह जाऊंगा, ये पत्र मुझे दे दे। लो चाचा जान ये पत्र ले लो। लाओ मेरी लाडली मुझे दो। हाँ मेरे दोस्तों, इधर सुबह हुआ तो फक्कड़ चल देता है, कैसे। अरे भोरा भोरा रा तरखा कहिए नूर करे रब मेराई, ए दीदाता मेराई जाने सुरत लगाए लई रे हजार एक माई। एक मंजिल चल के दूजी मंजिल तू चला रे रब मेराई, ए दीदाता मेराई जाने तीजी मंजिल पे विश्राम लगाई। इधर फक्कड़ हजारे में पहुंच जाता है तो वहां कुछ बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं, तो उनसे फक्कड़ क्या पूछता है। बेटा इधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है। परदेसी, मेरा नाम तो चुनुआ है। और तुम कहाँ रहते हो परदेसी, और कहाँ जाओगे। बेटा मैं जंग स्याले से आया हूँ और तख्त हजारा जाना चाहता हूँ। अरे परदेसी, आप तख्त हजारे में तो आ ही गए हो, यही तख्त हजारा है, आप किसके घर जाओगे परदेसी। बेटा मुझे उस राजे का घर बता दो। सुनो परदेसी, वो सामने वो दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ। वो सामने रास्ता है, उसी रास्ते से रोज गाय लेकर निकलता है, और आप वहीं जाएं, वो आपको वहीं मिल जाएंगे। ठीक है मैं वहीं जाता हूँ। एक गाय चराने वाले मेरी बात सुन। रुक तो सही। क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो। क्या तुम रांझे को जानते हो। हाँ परदेसी, तुम्हें कौन सा रांझा चाहिए। बेटा जो मधुर बंसी बजाता है
उस रांझे को चाहिए। अरे परदेसी, मधुर बंसी तो मैं ही बजाता हूँ। अगर तुम मधुर बंसी बजाते हो और तुम ही राजा हो तो मुझे बंसी बजाकर दिखाओ। तो ठीक है परदेसी, लो मैं तुम्हें अपनी बंसी को सुनाता हूँ। सुनाओ बेटा। लो बेटा ये खत लो। लाओ परदेसी ये खत। और अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये खत तो स्याले का है, इसमें तो हीर लिखा है। बार बाह हीर बाह। मैं अवश्य आऊंगा तुझसे मिलने के लिए, मैं अवश्य आऊंगा। से आया है और इसे भेजने वाली अच्छा हीर है। चाचा चाचा। कहिए बेटा चुनुआ। हाँ चाचा जान। लो चाचा जान, मैं रोटी ले आया हूँ और आप रोटी खा लीजिए। सुनो बेटा, अब ये रोटी मेरे भाग्य में नहीं बदी है और इसे तू ले जा। सुनो चाचा जान, मैं समझ रहा हूँ कि तुम रोटी क्यों नहीं खा रहे हो। क्या समझ रहे हो साहबजादे, बताओ तो सही। चाचा जान, स्याले शहर से चिट्ठी आ गई है, इसलिए भूख नहीं है। अब तुम हम लोगों को छोड़कर वहाँ जाओगे। क्या कह रहा है चुनुआ तू? क्या तू जानता है किससे बात कर रहा है? इधर आ, इधर आ, मैं तुझे अभी मार लगाता हूँ। चाचा मुझे छोड़ दो चाचा। बड़े से जुबान लड़ाने का मैं नतीजा तुझे अभी चखाता हूँ। नहीं चाचा मुझे मत मारो। चाचा मुझे मत मारो। चाचा मुझे मत मारो। नहीं बचेगा। चाचा मुझे मत मारो चाचा। तुमने आज ये हिम्मत की जो अपने चाचा से इतनी जुबान लड़ाई, किधर? मत मारो चाचा मुझे मत मारो। पिलाया दूध हाथों से,
तेरी चाचा भाई हिम्मत मारो चाचा धरा चाचा मुझे मत मारो मुझे छोड़ दो चाचा मत मारो चाचा मुझे मत मारो चाचा चाचा मेरी माँ बचपन में ही खत्म हो गई थी मरी माँ मेरी बचपन में मुझे पाला है दादी चाचा मेरी माँ बचपन में ही खत्म हो गई थी और मुझे दादी माँ ने पाला है माँ मर गई आज तू भी मर जा मुझे कोई गम नहीं मरी माँ मेरी बचपन में मुझे पाला है दादी ने उतारी खाल तन की है उतारी खाल तन की है सब्र बेटा ना लाता है मुझे चाचा क्यों मारा मुझे चाचा क्यों मारा बेदर्दी रहम ना लाता है चाचा मुझे मत मारो चाचा चाचा मुझे मत मारो चाचा इधर आ मत मारो चाचा मुझे मत मारो चाचा मैं तेरे ही हाथों से मर जाऊंगा लेकिन तेरा हाथ नहीं पकड़ूंगा चाचा लेकिन मुझे अब अपनी दादी माँ की याद आ रही है चाचा मरूंगा तेरे हाथों से न तेरा हाथ पकड़ूंगा चाचा मुझे मत मारो चाचा मरूंगा तेरे हाथों से न तेरा हाथ पकड़ूंगा याद दादी की आती है याद दादी की आती है कहा मुझसे न जाता है मुझे चाचा क्यों मारा मुझे चाचा क्यों मारा बेदर्दी रहम न लाता है खता क्या बन क्या बन गई मुझसे हमें क्यों ना बताता है मुझे चाचा क्यों मारा बेदर्दी रहम ना लाता है चाचा चाचा चाहे मुझे मार दो हमें कोई गम नहीं है चाचा परंतु अब हमें अपनी दादी माँ की याद आ रही है चाचा चाचा तुमको मालूम है कि मेरी माँ बचपन में ही खत्म हो गई थी चाचा परंतु दादी माँ ने मुझे पाला है और इतना बड़ा दादी माँ ने ही किया है और वालिद का प्यार आपने दिया चाचा आप मुझे मार भी दो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा चाचा लेकिन मेरी दादी माँ रो रो के अपने प्राणों को खो देगी चाचा प्राणों को खो देगी नहीं नहीं मेरे बच्चे ऐसा नहीं कहते बेटा मैं हत्यारा नहीं हूं जो अपने ही पौधे को अपने हाथों से काट दूं आ मेरे लाल ले मेरे छाती से लग जा मेरे लाल चाचा मेरे वालिद मुझे माफ कर दो चाचा चाचा मुझे माफ कर दो जा मेरे साहबजादे अब तू घर जा और मैं अभी आता हूं है बेटा आज तेरा बदन कैसा कुमलाया हुआ है या अल्लाह तुझे तो किसी ने मारा है बोल मेरे लाल तुझे किसने मारा है दादी माँ अपनी गाय एक किसान के खेत में घुस गई थी
और उसी किसान ने मुझे मारा है माँ। नहीं बेटा, ये तख्त हजारा जम्बू खान का है। तुझे मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ मेरे लाल। तू सच क्यों नहीं बता रहा मेरे बेटा कि तुझे किसने मारा है? दादी माँ अपनी गाय चर रही थी और मैं बरगद पर बैठा था और उसी बरगद की डाली टूटकर गिर पड़ी माँ, इसीलिए मेरे चोट आ गई है। बेटा तू कितनी भी झूठ कह ले, लेकिन मुझे तेरी बात का यकीन नहीं। तू सच क्यों छुपा रहा है मेरे लाल? आखिर माजरा क्या है, बताता क्यों नहीं? माँ तुझसे एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं होगी माँ? नहीं नहीं बोल मेरे लाल, क्या बात है? दादी माँ, सियाली शहर से एक चिट्ठी आई है। हीर नाम की एक लड़की है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा माँ। चाचा को आप कितना भी समझाओ, वो यहाँ पर रुकेगा नहीं और वो सियाले जाएगा। चाचा मानेगा नहीं। दादी माँ चाचा से कुछ मत कहना, मुझे चाचा ने ही मारा है। माँ माँ ये तुम्हारी गाय है और ये तुम्हारी कमली है और ये तुम्हारा सोटा है। अब मैं तुम्हारी गाय नहीं चरा पाऊंगा माँ। क्या बात है बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को मुझे बता दे, मैं तेरी उस परेशानी को दूर कर दूंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं यहाँ रहूंगा नहीं। अरे बात क्या है मेरे साहबजादे, कुछ तो बता मेरे लाल। माँ अब मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकता। सुनो माँ, मैं रात भर रहूंगा और सुबह ही यहाँ से चला जाऊंगा। बेटा मैंने सब सुन लिया है कि तू उस खत के खातिर अपनी माँ भाई और भाभी जान से प्यारे चुनुआ को छोड़ देगा मेरे लाल। हाँ माँ, उस खत के खातिर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ माँ, मैं वहाँ जाऊंगा। नहीं बेटा, माली भी बाग लगाता है उन वृक्षों की छाया में बैठने के लिए मेरे लाल। तू ही तो मेरे बुढ़ापे की छाया है बेटा। माँ तुम अज्ञान जैसी बातें कर रही हो। सुनो माँ, माली बाग लगाता है और उस बाग में से कोई वृक्ष उखड़ जाता है तो क्या माली अपने प्राण को तो नहीं दे देता है माँ? नहीं नहीं मेरे लाल, तू चला जाएगा तो तेरे बिन इस बूढ़ी मैया का क्या हाल होगा मेरे लाल। मैं सुबह जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं माँ। मैया बाकी चली दही रे रब मेराई, ऐजी दाता मेराई जाने, रोवत जाए रही रे डगर के माई। जातन लागत बोही तन जान तारे रब मेराई, ऐजी दाता मेराई जाने, को अब जाने रे बतीरा पराई। लक्की भरती मैया बाकी चली दई रे रब मेराई,
ए दीदाता मेरा ही जाने पहुंच गई है रे महल के माई। शाशु माँ, अरे शाशु माँ, तुम जब भी मेरे पास आती थी तो तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम्हारा ये चेहरा इतना बेचैन क्यों है, बताओ ना शाशु माँ। सुनो बहू, तुम्हारा जो देवर है रांझा, उसके पास एक लड़की का खत आया है और वो वहां जाने के लिए हट ठन रहा है। बहू, मैं तुमसे कहने आई हूं कि तुम उसे समझा कर किसी भी प्रकार से रोक लो, नहीं तो वो वहां चला जाएगा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ देवर जी को। सुनो बहन, देवर जी ऐसे सो रहे हैं जैसे कोई इश्क का मारा सो रहा है। नहीं बहन, किसी की याद में सो रहे हैं। अरे देवर, किसके नैनों का जादू चल गया इसलिए इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं? भाभी, तुम्हें शर्म नहीं आती? उल्टी बातें मत करो। अरे बहन, सासू माँ कहती थी कि मेरा राजा देवता है, तकता भिड़ता बिरानी जियाई को अगर शादी करनी है तो मेरे साथ चलो, अपनी बहन दिलवा लाऊंगी। बोलो देवर जी, बोलो बोलो, क्या इरादा है? रहने दो भाभी, कुदरत के सताए को तुम और ज्यादा न सताओ। अरे यह क्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह भी क्या इंसानियत है? कायदे की बात कही तो उल्टा रुआब दिखाने लगे। सुनो भाभी, मेरे दर्द भरे दिल को हद से ज्यादा मत दुखाओ। न कुछ कमाना न थमाना, दूसरों की कमाई बैठे बैठे खाना, अगर कुछ कह दो देखो कैसी आंखें दिखाता है। हाँ हाँ, तुम सब ठीक कहती हो, हमने तुम्हारी कमाई खाई है, अब मैं कमाने जाऊंगा, अब नहीं कर्जदार रहूंगा किसी के एहसान का, और मैं गांव छोड़ करके सुबह चला जाऊंगा। मेरे भाई, तुझे गांव छोड़कर नहीं जाना चाहिए, अगर तेरी भाभियों ने तुझसे कुछ कहा है तो तू हमें माफ कर, ये जो तेरी भाभियां हैं इनकी ओर से अपने दिल को साफ कर। प्यारे देवर, तू हमारा कहा सुना माफ कर, हम लोग तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। पहले तो ताने मार कर जिगर जला दिया, अब तुम सब मरहम लगाने आ गए। भैया, मेरा तख्त हजारे से दाना पानी उठ गया और मैं सुबह जाऊंगा। Thank you.
चाचा चाचा रुक जाओ, चाचा रुक जाओ, चाचा जहाँ तुम चलोगे वही तुम्हारा चुनुआ चलेगा, चाचा रुक जाओ। नहीं साहबजादे, तुम यहीं रहना और अपनी गाय को चराना, बेटा तू अपनी दादी माँ का ख्याल रखना। नहीं चाचा, जहाँ तुम चलोगे वहीं मैं चलूँगा, मैं नहीं रुकूँगा चाचा। नहीं बेटा, ज्यादा जिद नहीं करते, तुम मेरा कहा मानो। नहीं चाचा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, देख जिद मत कर चुनिया, अब भी हमारी बात मान जा। नहीं चाचा, मैं तो साथ ही चलूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे बांध देता हूँ। नहीं चाचा, इधर आ। चाचा मुझे मत बांधो, चाचा मुझे खोल दो, चाचा नहीं, चाचा मुझे खोल दो। एक और गांठ लगा दूंगी। नहीं चाचा मुझे खोल दो। चाचा कहाँ जा रहे हो? चाचा मैं भी आपके साथ चलूंगा। चाचा रुक जाओ। अरे हुआ से राजा चल दियो रे सुन भैयो, तेरे सरदारो सुनिए अब स्याले को रे सुने ओ चितलाई। अरे राजा के प्रेम में हीरा दे चैन है रे सुन भैयो, तेरे सरदारो सुनिए बाय रांझे की रे हयाद सताई। अरे एक फकीर उसी नगर मेरे रब मेराई जी दाता मेराई जाने गाना गाता दे चलो भाई आई। Thank you.
दिल से लाखी भुलाए हो सब तन्हाइयां आहट बन के तुमको खूब रुलाए हो मत देना परदेसी को लौट के फिर ना आए खेलेंगे वो एक पल तुम संग दूरी कहीं बस जाए हो सलामत रखेगा। हाँ हाँ आया अभी आया। अरे भाई आप कितने आदमी हैं जनाब? अरे भाई मल्हा मैं अकेला हूँ और खुदा के वास्ते मुझे नदी को उस पार कर दो। अरे भैया आप अकेले हो या चार? इस समय मैं नदी पार नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई मल्हा मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे उस पार जाना है, मुझे पार कर दो। अरे भैया इस समय मैं नाव नहीं डालूंगा। अरे भैया मुझे पार कर दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। अगर आपको जरूरी काम है तो खुद नदी में घुसकर पार हो जाओ। ए मल्हा तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास 70 तीर और 72 ओलिया हैं। मैं इस नदी में पार हो सकता हूँ। क्यों नहीं, जब आपके पास 70 वीर 72 ओलिया हैं तो पार हो जाओ। मुझे क्या मतलब? इधर रांझा
शक्तर पीर को मनाता है कैसे? बिस्मिल्ला करी के रांझो द्वामा ना बता रे रब मेराई ए जी दादा मेराई जाने सब पीरन की रे मदद झुकी आई। अरे बांस की पिंगुल बाकी बांसुरी रे रब मेराई ए जी दाता मेराई जाने धर्म खड़े पेरे बन फूक लगाई। हुआ चला रहा है मेरी लाली री, मुझे डर लगता है कि कहीं आ करके मेरे प्राण न ले ले, इसलिए मेरी लाली जरा उस पे अपना जादू डालकर उसे फुसला ले। ठीक है पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उस परदेशी को देखती हूँ। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ए परदेशी, तुम्हारा नाम क्या है और इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे सुंदरी, मेरा नाम रांझा है और मैं जंग स्याले के लिए जा रहा हूँ, परंतु सुंदरी तुम्हारा क्या नाम है? क्या परदेशी, तुम मेरा नाम पूछ रहे हो? हाँ। मेरा नाम चंद्रकला है। क्या चंद्रकला? चंद्रकला हो या रूपकला, अरे किसी का बुरा हो किसी का भला, मुझे दुनियादारी से क्या लेना, हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। अरे परदेशी, इतनी जल्दी क्या है, आज की रात हमारे यहाँ विश्राम कर लो और कल सुबह होते ही चले जाना। नहीं नहीं सुंदरी, तुम मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो ना। ए परदेशी, देखो नदी पर कितनी सुंदर हवा चल रही है, मौसम कितना सुहावना है। तो इस मौसम से मुझे क्या लेना देना, मौसम तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन मुझे जाने दो, हटो मेरे सामने से। ए परदेशी, इतनी जल्दी क्या है, तुमने किसी से प्यार किया है? क्या प्यार? हाँ प्यार, मैं नहीं जानता प्यार किसे कहते हैं, मुझे जाने दो। हे खुदा, हे परवरदिगार, मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे जाने दो सुंदरी, हटो। अरे ओ परदेशी, क्या है तुझे इतनी जल्दी क्या है, आज रुक जाना हमारे यहाँ, कल चला जाना, कोई नहीं रोकेगा तेरे को। नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा और मुझे जाने दो सुंदरी, क्यों बार बार जिद कर रही हूँ। अरे सुन परदेशी, बसाए लूंगी मछी मोड़े मोर से नजरिया, तो ये दिल के भी
नहीं तुम्हारे पास में बैठना है। जो परदेसी मेरे पास में बैठे, जो परदेसी मेरे पास में बैठे, तो ये प्यार की, तो ये प्यार की, तो ये प्यार की रीत सिखाए दूंगी। मत मोड़े मुंह से नजरिया, तो ये दिल के बीच बसाए लूंगी। मत मोड़े मुंह से नजरिया, 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 मत मोड़े मुंह से नजरिया। तो ये दिल के, तो ये दिल के, तो ये दिल के बीच बसाए लूंगी। मत मोड़े मुंह से नजरिया। क्या करोगी तुम? जो परदेसी मुझसे प्यार से बोले, तो ये घूंघटा, तो ये घूंघटा, तो ये घूंघटा खोल दिखाए दूंगी। मत मोड़े मुंह से नजरिया, तो ये दिल के बीच बसाए लूंगी। मत मोड़े मुंह से नजरिया, मत मोड़े मुंह से नजरिया, मत मोड़े मुंह से अरे परदेसी, तू जा रहा है, मुझे दुआ तो दिए जा। जाओ सुंदरी, तुम खाओगी कमाओगी और मौज उड़ाओगी, परंतु तुम्हारे घर में शेबरकत कभी नहीं आएगी।